सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग CE 206। इसके अंदर हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल के ऊपर जो फोर्सेस लगते हैं उनके कैसे इफ़ेक्ट्स होते हैं वो, और फाउंडेशन इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सॉइल क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है। अलग अलग लोगों के लिए सॉइल की अलग अलग डेफिनेशंस है। जैसे कि एग्रीकल्चरिस्ट जो होता है, जो खेती बाड़ी से रिलेटेड लोग होते हैं, उनके लिए सॉइल वो सब्सटेंस है जो कि अर्थ सरफेस पर एग्जिस्ट करती है, उस पर होती है, और जो प्लांट लाइफ को ग्रो करने में और डेवलप करने में हेल्प करती है। जियोलॉजिस्ट के लिए सॉइल वो मटेरियल है जो इसका कि एक थिन सरफेस जोन रहता है अर्थ के ऊपर, और उसके बाद का जो भी मटेरियल है वो उसको रॉक बोलते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स हार्डनेस। वो हार्डनेस नहीं देखते, एक थिन लेयर जहाँ तक की रूट्स आती है प्लांट की, वहाँ तक की लेयर को वो लोग सॉइल बोलते हैं, और रेस्ट जो भी है वो सब कुछ उनके लिए रॉक है। आगे ये फिगर में और आपको क्लियर हो जाएगा। इंजीनियर के लिए सॉइल जो है वो अनएग्रीगेटेड और अनसीमेंटेड डिपॉजिट ऑफ मिनरल, जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल हो नहीं हो दोनों चीज़ें हैं, जो कि अर्थ को लार्जली कवर करता है। इसके अंदर जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनकी रेंज बोल्डर्स से लेके सिल्ट, सिल्ट जो होती है हमारी पाउडर जैसी होती है, और बोल्डर्स बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े होते हैं, तो वहाँ से वहाँ तक की इसकी रेंज है। यानी कि जो पार्टिकल साइज है सॉइल का वो वेरी करता है फ्रॉम माइक्रोन्स, एक 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10^-6 मीटर, वहाँ से लेकर बोल्डर्स तक इनके साइजेस वेरी करते हैं। तो अब सॉइल मैकेनिक्स क्या है? सॉइल मैकेनिक्स मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स के लॉज का एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स से, जो कि डील करते हैं सेडिमेंट से और अदर अनकंसोलिडेटेड अक्यूमलेशंस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, सॉइल जो है वो अनएग्रीगेटेड या अनसीमेंटेड डिपॉजिट होती है मिनरल्स का। यहाँ पर भी यही लिखा है, अनकंसोलिडेटेड अक्यूमलेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, और ये सॉलिड पार्टिकल्स जो है ये प्रोड्यूस होते हैं मैकेनिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन से, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और सॉइल मैकेनिक्स में हम जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हीं को डील करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूंट हैं कि नहीं है, दे वेदर और नॉट दे कंटेन एन एडमिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सॉइल के लिए जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, सॉइल अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है, ये सॉलिड पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, ये सॉलिड पार्टिकल्स रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन से प्रोड्यूस होते हैं, मे कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक होता है कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ यानी कि पेड़ पौधों के जो अंश होते हैं वो, और सॉइल के अंदर जो वॉइड स्पेसेस है, जो छिद्र होते हैं, उनमें हवा पानी या दोनों चीज़ें हो सकती है। एंड सॉइल पार्टिकल्स को हम सेपरेट करते हैं बाय मैकेनिकल मीन्स, और पानी से भी इसको हम अलग कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल भी करना है। अब रॉक क्या है? जियोलॉजिस्ट और सॉइल इंजीनियर के हिसाब से ये जो दो फिगर्स दिए हुए हैं इसमें रॉक बताया है, सबसे ऊपर की जो लेयर है दैट इज़ ग्राउंड सरफेस, उसके बाद जहाँ तक रूट्स जा रही है प्लांट की दैट इज़ सॉइल, सॉइल जो इंजीनियर है सॉइल इंजीनियर वो उसको टॉप सॉइल बोलेगा, और जहाँ तक कि हार्ड क्रस्ट नहीं आता वहाँ तक की लेयर को वो रॉक सॉइल बोलेगा, रेस्ट इज़ रॉक। जियोलॉजिस्ट के लिए सिर्फ प्लांट्स जहाँ तक है वहाँ तक की लेयर सॉइल है, उसके बाद जो है वो रिगोलिथिक और रॉक है। रॉक क्या है? रॉक है नेचुरल एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का जो कंबाइंड होके जो नेचुरली कंबाइंड हुए हुए हैं मिनरल्स उनका, और ये जो मिनरल्स हैं ये जो पार्टिकल्स हैं ये बॉन्डेड हैं, ये कंबाइंड हुए हैं बाय स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट कोहेसिव फोर्सेस से। जो कठोर मटेरियल इतने कठोर होते हैं कि इनको निकालने के लिए आपको पहाड़ में ड्रिलिंग करनी पड़ती है, या हथौड़े से वेजिंग या ब्लास्ट, इसी से आप इनको अर्थ से रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए जो रॉक की डेफिनेशन है वो ये है कि इनको अर्थ से अलग करने के लिए आपको ये ब्लास्टिंग, ड्रिलिंग, वेजिंग ये प्रोसेस अपनाने पड़ेंगे।
सॉइल मैकेनिक्स क्या है? सॉइल मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है जो कि डील करती है जो भी फोर्सेस लग रहे हैं सॉइल पे, किस किस के कारण लगेंगे, उसके खुद के वेट के कारण और पानी के कारण, इन दोनों फोर्सेस के कारण सॉइल में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको वो डील करती है। इसके साथ ही हमारा टॉपिक एक और है, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या होती है? फाउंडेशन यानी कि नींव, नींव की डिज़ाइनिंग, उसका कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड रेनोवेशन ऑफ फुटिंग्स, फाउंडेशंस, वॉल्स, पाइल फाउंडेशंस, केसियंस एक्सेट्रा, ये सब फाउंडेशन के ही पार्ट्स हैं। स्कोप ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग, अब सॉइल इंजीनियरिंग क्यों पढ़ी जा रही है? सबसे पहले तो नींव फाउंडेशंस की डिज़ाइनिंग के अंदर सॉइल इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सॉइल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो बिल्डिंग का पार्ट होता है वो होता है फाउंडेशन, और बिल्डिंग अपना सारा लोड फाउंडेशन के थ्रू सॉइल को ट्रांसफ़र करती है, तो फाउंडेशन की डिज़ाइनिंग सॉइल के ऊपर बेस्ड है। फिर आता है रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ये वह स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सॉइल को रोकते हैं स्प्रेड होने से। देखिए क्या लिखा है, व्हेन सफिशिएंट स्पेस इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ए मास ऑफ सॉइल टू स्प्रेड, जब सॉइल का कोई मास है जिसको फैलने के लिए कोई स्पेस पूरी नहीं मिलती है तो रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बनाए पड़ते हैं। ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स सॉइल को डिफरेंट लेवल्स पे भी रोकते हैं, ये रिजिड वॉल भी हो सकती है या फ्लेक्सिबल शीट पाइल भी हो सकती है। जो रिटेनिंग वॉल्स होती हैं ये आपको अपने बहुत ज़्यादा दिखेंगे, मतलब डेली डे टू डे लाइफ में भी आपको विजिबल रहता है। इसके अंदर एक साइड जो सॉइल का लेवल है वो ज़्यादा होता है, दूसरी साइड कम होता है, तो जो सॉइल का जहाँ पे लेवल ज़्यादा होती है वो स्प्रेड होने की कोशिश करती हैं और अपने एंगल ऑफ रिपोज जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उस एंगल पर आना चाहती है, लेकिन उस पर आने में उसको हम नहीं चाहते कि वो वहाँ आए, तो हमें वहाँ पर रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। फिर है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। स्लोप्स की स्टेबिलिटी के लिए जो सॉइल सरफेस है अगर वो हॉरिजेंटल नहीं है, जैसे ग्राउंड अगर आपका हॉरिजेंटल नहीं है तो जो मिट्टी का जो वेट है वो उसको कोशिश करता है कि वो बह के नीचे आए, इसके कारण सॉइल स्लोप पे इनस्टेबिलिटी होती है। ये जो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स है ये हमको सड़क की डिज़ाइनिंग में, पेमेंट्स में, वहाँ पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो हमारे कैनाल वगैरह बनते हैं तो उनके जो साइड्स होते हैं वहाँ पे हमको जो स्लोप्स हम प्रोवाइड करते हैं वहाँ आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती, तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स इस सॉइल इंजीनियरिंग में चेक करनी है। फिर है अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स, टनल्स। टनल्स यानी सुरंग, सुरंग शाफ्ट्स हैं, कंड्यूट्स हैं, पाइप जिसमें ऑयल जाता है, वाटर जाता है, सिवरेज जाता है, ये जो भी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं जो ज़मीन के अंदर आपने ले किए हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स की सेफ्टी, क्योंकि इनके ऊपर मिट्टी का खुद का वेट आ रहा है, उस वेट के कारण ये जो स्ट्रक्चर है ये डिमोलिश हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए, इसकी स्टडी करने के लिए, इनको कैसे डिज़ाइन करना है, आपको सॉइल इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है पेमेंट डिज़ाइन। पेमेंट मतलब सड़क की डिज़ाइनिंग, जो जिस पे कि आप मूव करते हैं, व्हीकल्स मूव करते हैं, तो जो व्हीकल्स अगर मूव करेंगे तो वो सरफेस कैसा होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, सड़क स्मूथ रफ नहीं होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो इस तरह की पेमेंट हमको डिज़ाइन करनी है। तो ये पेमेंट जो है ये किस पे ले करती करी जाती है? सॉइल के ऊपर। इस लेयर को क्या बोलते हैं? सब ग्रेड। आपके इस फिगर में भी आपको दिख रहा है कि जो सब ग्रेड है वो सॉइल ही है, ये सबसे बॉटम मोस्ट लेयर है, इसके ऊपर सब बेस आता है जो एग्रीगेट्स का आएगा, फिर बेस लेयर आएगा जो कि फाइन सैंड का, फाइन एग्रीगेट्स का होता है, फिर सरफेसिंग होता है। ये आप पेमेंट डिटेल्स आप जनरली हाईवे में पढ़ेंगे, लेकिन पेमेंट की जो डिज़ाइनिंग है ये भी सॉइल के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि पेमेंट का खुद का जो वेट है, जो व्हीकल्स का जो वेट आ रहा है, वो सब सॉइल को अल्टीमेटली बियर करना है, तो इसलिए सॉइल इंजीनियरिंग का पेमेंट डिज़ाइनिंग में भी इम्पोर्टेंस है। फिर साथ में हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा सब ग्रेड है उसके ऊपर लोड आता रहेगा, जाता रहेगा, झटके भी लगेंगे, एकदम से गाड़ी हॉल्ट होती है, मूव करती है, और एनवायरनमेंट चेंजेस भी आते हैं, तो इन सब को लेते हुए सॉइल इंजीनियरिंग पढ़नी है। फिर है अर्थ डैम्स।
अर्दन डैम्स जो होते हैं वो मिट्टी के डैम्स होते हैं। ये बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका खुद का बहुत ज़्यादा वेट होता है, इनके अंदर पानी रिस सकता है, जैसे हमारे घरों में भी पानी रिस जाता है, तो ये तो मिट्टी के डैम्स हैं, इसमें सिर्फ मिट्टी है तो इसमें पानी रिस सकता है। तो हमको इस तरह से डिज़ाइन करना है कि पानी को रुसे नहीं, एक जगह पर पानी रुके, एक लेवल पर, एक साइड पर, अपस्ट्रीम साइड जो बोलते हैं वहाँ पर पानी रुकना चाहिए और डाउन स्ट्रीम साइड पर नहीं आए। तो ये सब स्टडी, ये सब सॉइल के ऊपर है, क्योंकि ये सॉइल से ही बने हुए डैम्स हैं। अगर हमारा डैम का फेलियर हो गया तो तबाही आ जाती है, कैटास्ट्रोफ। तो सॉइल इंजीनियरिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन डैम डिज़ाइनिंग। इस तरह से सॉइल की जो अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, सॉइल ही वे, सॉइल सब्सिडेंस है, फ्रोस्ट ही वे, श्रिंकेज एंड स्वेलिंग ऑफ सॉइल्स है, यहाँ सब पर भी सॉइल इंजीनियरिंग की बहुत इम्पॉर्टेंस है। अब सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ, सॉइल बनी कैसे? तो सॉइल के जो ओरिजिन है, इसके चार पार्ट्स हैं। पहला है इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड अपहेवल। इरोजन क्या होता है ये आगे अभी और पढ़ेंगे हम लोग। इरोजन में जो पहाड़ है उसको इरोड करते हैं, उसको बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। और इसके इरोजन के इरोड करने के पहाड़ को दो तरीके होते हैं, फिजिकल और केमिकल। ये आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम और ढंग से इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो पहाड़ टूटता है बाय मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन या केमिकल डिकम्पोजिशन, इन दोनों मेथड्स में से जिससे भी पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हुए हैं, ये जो टुकड़े होते हैं ये आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय वाटर और विंड, हवा, पानी और आइस भी होती है। ये ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज होती हैं जो इसको पहाड़ के टुकड़ों को आगे खींच के ले जाते हैं और ये जाके आगे डिपॉजिट होते हैं। धीरे धीरे करके ये डिपॉजिशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जिस जगह ये डिपॉजिट हो रहे हैं वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है फोर्सेस का वो डिसबैलेंस होता है और अर्थ में मूवमेंट आता है जिससे कि अपहेवल होता है और फिर से एक नया पहाड़ जनरेट होता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इट गोज़ ऑन। अब है रेजिडुअल सॉइल और सेडेंटरी सॉइल। रेजिडुअल सॉइल क्या होती है, जैसे कि आपको पता चल रहा है जो कि रेजिडेंट है वहीं की है, यानी कि जहाँ पे इरोजन हुआ है वहीं पे वो सॉइल वहीं पे होती है, वहीं पे पाई जाती है। दिस सॉइल इज़ कॉल्ड रेजिडुअल सॉइल। जैसे कि जो इंडियंस जो इंडिया में ही रह गए, दे आर रेजिडेंट्स, जो हम लोग बोलते हैं ना कंट्री के रेजिडेंट्स, जैसे ये सॉइल भी रेजिडुअल है, वहीं पे रहती है जहाँ पे इसकी प्लेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन है, जिसके कारण रेजिडुअल सॉइल के अंदर जो इसकी जो थिकनेस है लेयर की वो कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है, और इसके अंदर जनरली लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। फिर दूसरी तरह की सॉइल जो है वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। जैसे कि आपने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल में वाटर और विंड, ये दो एजेंसीज हैं जो इसको आगे ट्रांसपोर्ट करके ले जाती है। तो हवा के साथ, जैसे आप लोगों ने देखा ना सैंड ड्यून्स वगैरह जो बनते हैं, ये सब ट्रांसपोर्टेड सॉइल से बनते हैं। तो ये जो सॉइल है ये बहुत बारीक होती है, थिन होती है, और इनके जो डिपॉजिट्स होते हैं, सैंड ड्यून्स के तो पहाड़ बन जाते हैं, तो इनका जो लेयर होते हैं ये बहुत थिक लेयर्स में डिपॉजिट होता है, ठीक है। और दूसरा आपने देखा होगा डेजर्ट सैंड्स होती है, ये सब एक ही जैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, इनमें पार्टिकल्स के अंदर ज़्यादा रेंज नहीं होती, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, एक ही साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये रेजिडुअल सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल यहाँ तक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे फिर देखेंगे।